वेलकम टू जॉय आपका स्वागत है हमारे चैनल पे और आज का हमारा टॉपिक है नाइन्थ स्टैंडर्ड का साइंस वन चैप्टर नंबर ट्वेल्व स्टडीज ऑफ साउंड का पार्ट टू ये वीडियो है ये चैप्टर हमने पहले स्टार्ट कर चुके हैं और ये चैप्टर में हमने बहुत कुछ किया था पार्ट वन में अगर आपने वो नहीं देखा तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए आप उसे जाके जरूर देखेगा और आज के वीडियो में हम लोग इसे कंटिन्यू करेंगे एक एक्सटेंड तक और इसे दूसरे पार्ट में ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे तो चलिए अभी शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए तो चलिए शुरू करते हैं लास्ट टाइम हमारे पार्ट वन वाले वीडियो में हमने बहुत कुछ देख लिया था हमने साउंड के टाइप्स भी देखे थे साउंड वेव्स के ट्रांसवर्स वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वो देख लिया था हमने बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स देखे थे रेयर फैक्शन कंप्रेशन के बारे में सीखा था आई होप कि आपको वो uh, याद होगा और आज हम लोग तो थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे जो कि है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड अब आप बोलोगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो समझ में आता है कि लाइट का रिफ्लेक्शन होता है अब साउंड का भी रिफ्लेक्शन होता है यस yes. अब ये 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 कैसे होता है ये आज अभी तो शुरू कर रहे हैं टॉपिक तो यहां पर हमारे पास यहाँ पर एक एक्टिविटी है सो so इस एक्टिविटी हमें क्या करना है हमने यहाँ पर लिया है टू सफिशियटली लॉन्ग आइडेंटिकल ट्यूब्स ऑफ cardboard we have made them. then we have uh, arranged them on a table in front of a wall, as you can see in the figure. Then we have uh, placed a clock near the end of one of the tube. placed a clock near the end of a one of I, you, I hope you you can see it. Here it is. and we um, and we have tried to hear the ticking of the clock at the end of the other tube by placing your ear there so yahan par dusre end mein uh, humne uh, kare ye wale tube ka ye jo end hai yahan se इसकी आवाज़ सुनने की कोशिश है clicking of हम मैम आपने इस, uh, observe किया होगा कि clock का एक sound होता है टिक 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 so that sound और हमने क्या किया पहले ऐसी कार्डबोर्ड स्लिप्स लिए जिसमें यहाँ पर क्लॉक के उसे ऐसे वॉल पे रखा दूसरी भी ऐसे ली और उसे भी वॉल पे रखा उसके बाजू में थोड़ा दूर में डिस्टेंस और अभी दूसरे वाले से हमने कान रख के उसे सुनने की कोशिश की यानी कि सेकेंड वन यानी कि इसके बारे में बोल रहा हूँ देन वी हैव एडजस्टेड द एंगल्स ऑफ द टू ट्यूब्स टिल वी कैन हियर द साउंड मैं जब तक तो साउंड सुनना ही नहीं देता तब तो तक हमने उसे एडजस्ट किया and then we saw that hamlukku wo sunai both clearly we have measured the angle of we have to measure the angle of incidence that is theta 1 and angle of reflection that is theta 2 so here like uh, in reflection of light there are angle of incidence incident ray uh, and angle, angle of reflection and reflection ray in uh, reflection of sound we have only the angles that are the incidence angle and the angle of reflection. Okay. Now let's learn more about this. So why, why after this explanation, I think that you more uh, mostly you have made it similar from the reflection of light. The reflection of sound is most similar. So like light waves, sound waves to get reflected from a solid or a liquid surface. So just like light waves, here you can say light rays. रिफ्लेक्ट होती है कोई ऑब्जेक्ट कोई लिक्विड सरफेस से वैसे ही साउंड वेव्स भी रिफ्लेक्ट होती है फ्रॉम अ सॉलिड और अ लिक्विड सरफेस दिस वेव्स आल्सो फॉलो द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वी हैव स्टडीड इन द चैप्टर नंबर इलेवन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर सम लॉज विच रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन विच आर एप्लीकेबल ऑन बोथ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड ऑल्सो एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट A smooth or a rough surface is needed for the reflection of sound. the direction of the incident sound wave and reflected sound wave make equal angles with the perpendicular to the uh, the surface, and all three, these three lie in the same plane. So here we need a smooth surface, not a rough surface. we need a smooth surface for the reflection of sound. और जो डायवेक्शन होती है साउंड uh, वेव की इंसिडेंट साउंड वेव यानी कि जो साउंड वेव आ रही है और जो रिफ्लेक्ट हो जाएगी वो वाली रिफ्लेक्टेड साउंड वेव मेक इक्वल एंगल्स दे मेक इक्वल एंगल्स मीन्स दे आर एंगल्स आर इक्वल मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी इक्वल विद द परपेंडिकुलर दैट इज द नॉर्मल इन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टू द सर्वे ऑफ ऑल दिस थ्री लाई इन द सेम प्लेट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ परपेंडिकुलर एंडल ऑफ रिफ्लेक्शन लाई ऑन द सेम प्लेन हाउ मच ऑफ द इंसिडेंट साउंड इज अ गुड और अ बैड रिफ्लेक्टर सो द रिफ्लेक्टर मीन्स जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल लिया था हमने वॉल का तो यहाँ पर वॉल से रिफ्लेक्ट हो रहा था तो वो वॉल इज अ रिफ्लेक्टर तो कितना साउंड ऑफ़ uh, uh, how मच ऑफ द इंसिडेंट साउंड जो गेट्स reflected वो डिसाइड करता है कि रिफ्लेक्टर अच्छा रिफ्लेक्टर है कि बैड रिफ्लेक्टर जैसे कि बोल सकते ना गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट वे अ हार्ड एंड फ्लैट सरफेस फ्लैट सरफेस इज अ गुड रिफ्लेक्टर वाई क्लोथ्स पेपर कर्टन्स कार्पेट फर्नीचर एक्सेट्रा एब्सॉर्ब साउंड इंस्टेड ऑफ रिफ्लेक्टिंग इट एंडोर आर कॉल्ड बैड रिफ्लेक्टर सो हार्ड और फ्लैट सरफेस वाले रिफ्लेक्टर्स आर गुड रिफ्लेक्टर्स वो अच्छे से इजीली रिफ्लेक्ट करते हैं साउंड को जैसे कि आप बोल सकते हो कुछ फर्नीचर एंड फर्नीचर नहीं आप बोल सकते हो कुछ uh, पत्थर भी फिर क्लोथ्स पेपर कर्टन्स कार्पेट और फर्नीचर जैसे थिंग्स वो साउंड uh, को रिफ्लेक्ट करने की जगह पे उससे एब्जॉर्ब करते हैं दे आर बैड कंडक्टर्स सॉरी नॉट बैड रिफ्लेक्ट

ये बहुत सारे हिल स्टेशन में ऐसा होता है कि आप कुछ चिल्ला के बोलते हो तो वही आवाज़ आपको थोड़े टाइम में वापस उल्टी आपको सुनने देती है तो so, ये क्यों होता है क्योंकि आ, वो जो आपकी साउंड वेव्स है वो रिफ्लेक्ट होती है वहाँ पर जो पत्थर है हिल्स और रिफ्लेक्ट होकर वापस उल्टी ही आती है दैट इज़ बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड बाई सम सरफेस एंड इको इज द रिपीटेशन ऑफ द ऑरिजिनल साउंड बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बाई सम एंड the sound which is which comes back is uh, called an echo. in order to be able to hear the original sound and its reflection distinctly at twenty two degrees Celsius what must the uh, what must this minimum distance be between the source and the reflecting surface at twenty two degrees Celsius the velocity of sound in air is three hundred and forty four meter per second. Our brain retains a sound for 0 0.3 seconds thus for us to be able to hear a distinct echo the sound should take more than 0 0.3 seconds after starting from the source to get reflected and come back to us thus we can determine the minimum distance between the source and reflecting surface as voice so how to determine the distance between the source of sound and the reflecting surface what is the distance between them how to, we will determine we will determine by using a formula that is distance is equals to speed into time so there will be into multiplication speed into time so Here you can see, आई uh, uh, well, I are आई हैव टेकन एन एग्जाम्पल वेयर एट ट्वेंटी टू डिग्री सेल्सियस Celsius the velocity of sound in air we have been given that is हंड्रेड एंड फोर्टी फोर मिनटर पर सेकेंड एंड आर ब्रेन रिटेन्स द साउंड मतलब हमारे ब्रेन को साउंड सुनाई देती है या फिर उसे पता चलता है साउंड के बारे में या उसे रिस्पॉन्स करता है ऐसा बोल सकते हो आप डेट इन जीरो पॉइंट थ्री सेकेंड्स में वो रिस्पॉन्स करता है सो ये हमारा टाइम है So therefore, how much is the distance? Distance is equal to speed into time. Therefore, three hundred and forty-four meter per second into zero point three second. That is three hundred and forty-four meter. So this is the distance. Uh, not three hundred and forty-four meter. It is three thirty-four point four meter. So that is the distance. So this way, we calculate the distance between. तो दस टू बी एबल टू हियर अ डिस्टिंक्ट इको द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस शुड बी एट मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द हाफ ऑफ द अबउ दैट इज सेवनटीन पॉइंट टू मीटर मतलब एक इको सुनने के लिए हमारे जो डिस्टेंस होना चाहिए सोर्स ऑफ साउंड और रिफ्लेक्टिंग सर्फेस के बीच में वो एटलीस्ट सेवेंटीन पॉइंट टू मीटर होना चाहिए सो so, हिल्स uh, में हिल स्टेशंस में वहाँ पर तो हिल्स बहुत दूर दूर तक होते हैं ना इसलिए बहुत लंबा डिस्टेंस भी होता है तो देरपुर वहाँ पर इको करना ईजी हो जाता है तभी हमको सुनाई देता है एज द वेलोसिटी ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ एयर दिस डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर सो वेलोसिटी ऑफ साउंड और डिपेंड करता है टेम्परेचर पे तो so, डिस्टेंस भी ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है साउंड वेव्स Gets reflected, uh, gets reflected from the walls uh, and roof of a room temple, टेम्पल ऑफ अ रूम मल्टीपल So, sound waves होती है हमारी वो बहुत बार रिफ्लेक्ट करती है हमारे घर में वॉल्स से हमारे रूफ से बहुत बार मल्टीपल टाइम्स दिस कॉज इज अ सिंगल साउंड टू बी हर्ड नॉट वंस but कंटिन्यूसली दिस इज कॉल्ड रिवर्ब्रेशन सो वॉट इज रिवर्ब्रेशन जब हम लोग कुछ बोलते हैं और हम हमारे साउंड बार बार वॉल से टकरा के बार बार आती है वापस तो वो साउंड हमें बार बार सुनाई देती है और वन साउंड कंटिन्यूसली गूंजती रहती है सो so आपने ऐसा फ़ोन कॉल्स में बहुत बार ऑब्जर्व किया होगा कि वही साउंड किसी ने कुछ बोला तो वो उल्टा वापस वापस वापस, वापस, वापस वही रिपीट हो रहा है तो इसे हम बोलते हैं रिवर्ब्रेशन The time between successive reflections of a particular sound wave reaching us becomes smaller and the reflected sounds get mixed up and produce a and they produce and they produce a continuous sound of increased loudness which cannot be dissipated clearly. This is the reason why some auditoriums from some particular seats and an auditorium have inferior sound reception. सो वॉट हैपन्स जब ऐसा होता है रिवर्ब्रेशन उसकी वजह से आपने देखा होगा कुछ ऑडिटोरियम्स में कुछ सीट्स पर साउंड की इंटेंसिटी कम होती है उनको कम सुनाई देता है सो दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस रिवर्ब्रेशन बहुत मल्टीपल टाइम्स ऐसे गूंजते रहना इसकी वजह से सो so दैट इसलिए आपने देखा होगा कि आ, ऑडिटोरियम्स की ना रूफ होती है वो ऐसी कर्व्ड uh, होती है ताकि वो अगर साउंड वेव उससे रिफ्लेक्ट होगी तो वो हर पॉइंट पे जाएगी पूरे ऑडिटोरियम में सो दैट इज द वाई यू कैन हियर प्रॉपरली ये देखिए आप रिवर्बेरेशन uh, के लिए एक डायग्राम uh, है यहाँ पर सिंगर है वो लिसनर है सो डायरेक्ट साउंड ऐसे जा रहा है आप देख सकते हो ये डायरेक्ट साउंड जा रहा है उसको और ये सारे रिफ्लेक्टेड साउंड एवरबेशन हो रहा है उसको तो कितने सारे हैं अब बात करेंगे सोनार जिसके बारे में आपने बहुत बार सुना होगा आपको बहुत बार पढ़ाई में आया भी होगा अब इस साल भी है आपको आपके पोर्शन में तो व्हाट इज सोनार का आपको कॉन्सेप्ट है तो सोनार इज द शॉर्ट फॉर्म फॉर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग So, what is the full form of sonar? Which is a very much asked question. That is, sonar ka full form hai S sound, O uh, sound for navigation and ranging. So, it is used to determine the direction, distance, and speed of an underwater object with the help of ultrasonic sound waves. Sonar has a transmitter and a receiver which are fitted on ships or boats. सो फॉर वॉट सोनार इज यूज सोनार को यूज किया जाता है टू डिटमाइन द डायरेक्शन एंड डिस्टेंस एंड स्पीड वॉट टू वॉट टू डिटमाइन टू डिटमाइन द डायरेक्शन स्पीड ऑफ एंड अंडर वॉटर ऑब्जेक्ट तो अल्ट्रासोनिक वेव साउंड के बारे में आपको पता ही होगा मैं हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी इंफ्रासाउंड वेव एंड अल्ट्रासोनिक साउंड वेव एंड ऑल्सो ऑडिबल साउंड तो oh, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स वेव्स साउंड अबाउ द फ्रिक्वेंसी ऑफ ट्वेंटी थाउजेंड वर्ड्सोर अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स की मदद से हमें अंडर वाटर ऑब्जेक्ट कोई अंडर वाटर ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन उसकी डिस्टेंस और उसकी स्पीड के बारे में पता किया जा सकता है यूजिंग द अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स और यही काम है सोनार का सोनार so, के पास एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर होता है विच आर फिटेड ऑन शिप्स एंड बोट्स द ट्रांसमीटर प्रोड्यूसिस एंड ट्रांसमिट अल्ट्रासोनिक साउंड ट्रेवल थ्रू वाटर स्ट्राइक अंडर वाटर ऑबजेक्टेड बाई दे रिफ्लेक्टेड बाई द शिप सो ये जो सोनार uh, so, में हमारे पास एक रिसीवर और ट्रांसमीटर uh, भी होता है सो so, ट्रांसमीटर जो है वो प्रोड्यूस करता है और ट्रांसमिट करता है अल्ट्रासोनिक साउंड और ये अल्ट्रासउंड पानी में जाकर एक अंडर वाटर ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है और द रिफ्लेक्टेड रेव आर रिसीव्ड बाय द शिप तो ये इस तरह ये एक काम किया जाता है द रिसीवर कन्वर्ट्स द अल्ट्रासोनिक साउंड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स सिग्नल्स एंड दिस आर सिग्नल सिग्नल द टाइम डिफरेंस बिटवीन ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन इज नोटेड दिस टाइम एंड द वेलॉसिटी ऑफ साउंड एंड वाटर गिव द डिस्टेंस ऑफ द शिप ऑफ द ऑब्जेक्ट विच रिफ्लैक्ट दो ये टाइम डिस्टेंस और वेलासिटी हमें इस तरह मालूम पड़ती है वो जो रिफ्लेक्टेड वेवस वापस आती है उससे हमें पता चलता है सो so, ये बहुत मदद करता है अंडर वाटर जान, जानने के लिए सोनार इज यूज टू डिटमाइन द डेप्थ ऑफ द सी तो इस इस सी की डेप्थ डिटरमाइन करने के लिए भी सोनार का इस्तेमाल किया जाता है सोनार इज ऑल्सो यूज टू डिटरमाइन द टू सर्च द अंडर वाटर हिल्स वैलीज सब आइसबर्ग शिप्स एक्सेट्रा तो पानी के अंदर जो शिप्स डूब चुके यहाँ पे जो वैलीस है जो आइसबर्ग्स है उन सबको डिटरमाइन करने के लिए uh, सोनार का इस्तेमाल किया जाता है ताकि उनसे रिफ्लेक्ट होकर आती है तो उन्हें पता चल सकता है वहाँ पर कुछ है तो दैट इज आपके पास एक, आ, मैंने आपको एक डायग्राम दिखाया है सोनार का यहाँ पर देखिए आप देख सकते हो ट्रांसमीटर है एकदम नीचे और वहीं पर उसके थोड़े बाजू में रिसीवर है आई कैन यू कैन सी और ये है शिप यहाँ पर ट्रांसमीटर यहाँ पर रिसीवर है ये है ट्रांसमीटर पल्स यानी कि जो जा रहा है और ये यानी कि जो वापस उल्टा आ रहा है एंड सी बेड तो सी बेड की रिसीवर सो so, इस तरह काम करता है सोनार एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट टू राइट शॉर्ट नोट हाउ सोनार वर्क्स सो प्लीज रिमेंबर इट विद दिस एंड ऑफ दिस लेक्चर हम लोग पार्ट थ्री में इस चैप्टर को फिनिश करेंगे कंटिन्यू करके और आपको मैं नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा इसलिए उसको देखना मत भूलेगा और थैंक्स फॉर वॉचिंग अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है तो इसे लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो थैंक्स फॉर वॉचिंग